ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि भारत के एक छोटे से गांव में रहता है। इस लड़के का नाम कर्ण है। कर्ण जो है एक बहुत ही गरीब और साधारण सी फैमिली से संबंधित करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्ण जो है एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और उसको बचपन से ही साइंस से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट है। कर्ण जो है हमेशा सोचता रहता था कि यह जो आसमान इतना बड़ा मुझे दिख रहा है या हम सबको दिखता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या होगा। मतलब कि वह ये सोचता रहता था कि इतना विशाल ब्रह्मांड जो है, क्या हमारे अलावा भी कोई और होगा इस दुनिया में, और क्या क्या हो सकता है इस विशाल ब्रह्मांड में। कर्ण हमेशा से ही बहुत सारी बुक्स जो भी उसे मिल पाती थी इधर उधर से, क्योंकि वह खुद से तो खरीदने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसका परिवार इतना गरीब था कि उसको बचपन से ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो इस सब के बावजूद भी वह अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने की कैसे ना कैसे कोशिश करता रहता था, क्योंकि उसके अंदर एक इच्छा इतनी ज्यादा थी हर किसी चीज को जानने की। वह हमेशा ही कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता था। जो भी कर्ण को इधर उधर से जो भी किताबें मिलती थीं, वह हमेशा पढ़ते रहता था। बल्कि कर्ण तो अपनी स्कूल की किताबें या फिर विज्ञान की किताबें ही नहीं, वह इनसे भी अलावा कुछ धार्मिक आध्यात्मिक जो किताबें होती हैं, जो एक हमारे इतिहास की होती है, धार्मिक आध्यात्मिक जितनी भी किताबें होती हैं, लगभग उसने सारी एक तरह से पढ़ रखी थी बचपन में ही। और जब कर्ण 11वीं कक्षा में आया तो उसने साइंस नॉन मेडिकल ली। उसके बाद जब वह अपनी 12वीं कक्षा को पूरा करता है तो हर एक साइंस स्टूडेंट की तरह उसका भी IIT में एडमिशन लेने का मन होता है, जो कि भारत की सबसे बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। लेकिन घर परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वह IIT में एडमिशन न ले सका। इसके बाद कर्ण एक ठीक ठाक से कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहां से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को जारी करता है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वह इंजीनियर की किताबों के साथ वह ऑनलाइन से भी साइंस के बारे में जितना हो सकता था उतना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऑनलाइन से पढ़ाई करते करते उसको साइंस में ही आजाद हुए आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में पता चलता है, तो वह उसके बारे में और ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। मतलब एक तरह से वह AI के बारे में हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह का ज्ञान, उसको बनाने की प्रक्रिया कैसे काम करता है, सब कुछ पता कर लेता है। और ऐसे ही 4 साल में वह बहुत कुछ सीख जाता है, एक साइंस की अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड और एक इंजीनियरिंग की किताबों से अलग भी वह बहुत कुछ जितना हो सकता है उतना ज्ञान वह प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही उसके 4 साल कंप्लीट होते हैं, किसी भी आम बच्चों की तरह ही उसे भी अब इंजीनियरिंग के बाद एक जॉब होनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। लेकिन जो कर्ण था उसका हमेशा से मन था एक साइंटिस्ट बनने का। तो कर्ण को पता था कि यह इतनी बड़ी साइंटिस्ट लेवल की नौकरियां तो उसको अपने कॉलेज की प्लेसमेंट से तो नहीं मिल सकती। और हालांकि उनके कॉलेज में 1-2 प्लेसमेंट बड़ी मुश्किल से आई थी, जो 8-10 हजार रुपए की नौकरियां ही थीं, तो उसके बाद यहां पर कर्ण हार नहीं मानता है और वह वेबसाइट जो होती है जॉब्स की, उन पर रिसर्च करने लग जाता है, ऐसी कोई नौकरी ढूंढने लग जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोस्ट करी जॉब मिलती है, जो कि एक साइंटिस्ट लेवल की थी। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसने अपने दोस्तों से सुना था कि यह ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन यह बहुत ज्यादा एक तरह से चोरी छुपके रहती है, बहुत मिस्टीरियस सी है, और जो इसकी जॉब के लिए जो टेस्ट देना होता है वह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि लाखों में से कोई 1-2 ही इसका जो टेस्ट है वह क्रैक कर पाते हैं, और फिर वह भी इस कंपनी की तरह एक मिस्टीरियस व्यक्ति ही हो जाते हैं। हालांकि जो यह ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के बावजूद बेनिफिट्स जो प्रोवाइड करती है वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसा सुना था कर्ण ने पहले भी, और ऐसे ही अट्रैक्टिव बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो पोस्ट करी थी उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ था। इन सब के अलावा जो एक चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कर्ण को, वो थी उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई एक लाइन। उस एक लाइन में लिखा हुआ था कि जो यह ऑर्गेनाइजेशन की जॉब है यह एक सीनियर साइंटिस्ट लेवल की है, अगर इसका टेस्ट कोई क्लियर करेगा तो उसको सीधा सीनियर साइंटिस्ट बना दिया जाएगा, जो कि कर्ण को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी उस कंपनी का फॉर्म भरने के लिए। तो ये सब बेनिफिट्स देखकर कर्ण उस कंपनी का फॉर्म फिल कर देता है।
फिर कुछ ही दिनों के बाद कर्ण का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो कि इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जो कर्ण ने बचपन से ही साइंस के बारे में हर एक चीज सीख रखी थी उसको भी एक बार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन किसी न किसी तरह से कर्ण इस टेस्ट को क्लियर कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर्ण को मेल आता है इंटरव्यू के लिए। कर्ण फिर उनकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और कर्ण ने जैसा सोचा था कि वह यह सब पूछेंगे। इन सब के अलावा वह कर्ण से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कर्ण जो है थोड़ा सा हैरान होता है। जैसे कि वह ऑर्गेनाइजेशन वाले जब उसका इंटरव्यू ले रहे थे तो वह डायरेक्ट उससे पूछते हैं कि आपको साइंटिस्ट ही क्यों बनना है, तो कर्ण इसका जवाब अच्छे तरीके से देता है और उनको बताता है कि उसको साइंस में जो है दिलचस्पी थी बचपन से, तो वह यह सब करना चाहता है। तो फिर वह सीधा उससे यह पूछते हैं कि अगर आपको इतनी दिलचस्पी है साइंस में और अगर हम आपको इस जॉब का ऑफर दे दे तो, और हम आपको बोले कि आपको जो छुट्टियां मिलेगी वह बिल्कुल ना के बराबर होगी, और आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिसर्च का काम करना होगा 24 घंटे के लिए भी करना पड़ सकता है। कर्ण एक बार तो यह सब क्वेश्चन सुनकर थोड़ा सा घबरा सा जाता है, लेकिन वह समझता है कि यह जो इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं ये मेरी मेंटालिटी चेक करना चाहते हैं, मेरा पेशेंस लेवल चेक करना चाहते हैं। तो फिर कर्ण बिना किसी भी तरह की फिक्र करे इस प्रश्न का उत्तर हां में दे देता है। इसके बाद जो लोग कर्ण का इंटरव्यू ले रहे थे वह कर्ण को इस जॉब का ऑफर दे देते हैं और बताते हैं कि भले ही आपको छुट्टियां ना के बराबर मिले और आप शायद फैमिली से मिल ना पाए या फिर आपको रिसर्च का काम ज्यादा करना पड़े, लेकिन इन सब के बावजूद आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है अपनी फैमिली की, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वह इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपकी फैमिली को प्रोवाइड कर देगी। आपके इस जॉब के लिए हां करते ही कि उनको एक इकोनॉमिकली सपोर्ट, उन सबको एक अच्छा रहने के लिए घर, मेडिकल फैसिलिटी इत्यादि सब कुछ उनको एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेगी। तो ये सब सुनकर कर्ण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसके बाद तो कर्ण बिना किसी देरी के उनको हां कर देता है कि हां मैं तैयार हूं। फिर कुछ दिनों बाद कर्ण के पास एक गाड़ी उसको लेने के लिए आ जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद कर्ण जल्दी जल्दी अपना सामान सब कुछ पैक करता है और अपनी फैमिली वालों को अलविदा बोलकर निकल पड़ता है उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ। कर्ण जब उस गाड़ी में बैठता है तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसका साइंटिस्ट बनने का सपना फाइनली सच होने जा रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब कर्ण देखता है कि जो यह गाड़ी है उसको एक ऐसी सीक्रेट से एक सुनसान सी जगह में लेकर जा रही है, जो मतलब शहर से हटके एक पब्लिक एरिया से बहुत दूर है, कर्ण को थोड़ी देर के लिए बहुत अजीब सा लगा कि यह मेरे को कहां लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर बाद उसने उस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के एंट्री गेट को देखा तो उसको थोड़ी राहत की सांस आई। फिर उसको थोड़ा समझ में आया कि जो साइंटिस्ट होते हैं और वो कुछ बड़ी रिसर्च करते हैं वह हमेशा ही दुनिया से हटके रहते हैं, उनका अपना एक सीक्रेट रिसर्च बेस होता है। तो ऐसा ही इस ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। इसके बाद जब वे गेट में प्रवेश करते हैं तो कर्ण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कर्ण देखता है कि जो यह ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना एक अलग शहर ही अंदर बसा रखा था, जो कि इतना एडवांस्ड और इतने हाईटेक लेवल का था जो उसने पहले कभी किसी और जगह पर नहीं देखा था। इस शहर में थोड़ी दूर चलने के बाद कर्ण को ड्राइवर एक अपार्टमेंट के पास ले जाता है और उसे बताता है कि अब से ये आपका रहने का घर होगा, और ड्राइवर कर्ण को इस अपार्टमेंट की चाबी देकर और यह बोलकर कि आपकी जॉब जो है कल से स्टार्ट होगी और आपको सुबह के 8:30 पर इस शहर के केंद्र में स्थित ऑफिस में रिपोर्ट करना है, और अब मैं चलता हूं, अगर कोई काम हो तो मेरे को जरूर बुलाइएगा। इसके बाद वह ड्राइवर कर्ण का सब सामान वगैरह उतार देता है। उसके बाद कर्ण जो है सीधा एक्साइटमेंट के साथ अपने अपार्टमेंट में पहली बार एंटर करता है, और जब वह अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है तो वह बहुत ज्यादा खुश सा हो जाता है, क्योंकि वह कमरा जो था वह भी इतना हाईटेक था, उसमें सारी चीजें एडवांस, सब कुछ ऑटोमेटिक, एक तरीके की हाई टेक्नोलॉजी के फर्नीचर, सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लगे हुए थे, उसने कभी भी किसी भी जगह पर नहीं देखा था। और एक साइंटिस्ट के लिए, एक साइंस प्रेमी के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज होती है एक ऐसी जगह में रहना जहां वह टेक्नोलॉजी से घिरी हुई हो। अगला दिन होता है कर्ण
ठीक 8:30 पर अपने ऑफिस, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सिटी के बिल्कुल सेंटर में स्थित था, वहां पर पहुंचता है, वहां पर रिपोर्ट करता है। वहां पर जाने के बाद कर्ण फिर से एक बार चौंक जाता है, क्योंकि वो वहां बहुत सारे उन साइंटिस्टों को देखता है जिनकी महान डिस्कवरीज उसने कभी पढ़ी थी, और वह इतने महान लोग थे कि उसको विश्वास नहीं होता कि मैं इनको भी कभी अपने रियल लाइफ में देख पाऊंगा। कर्ण इस चीज से भी हैरान होता है कि ये लोग जिनकी डिस्कवरीज विश्व विख्यात है, और ये लोग एक मिस्टीरियस तरह से इस दुनिया से कट के रहते हैं, कभी कोई इंटरव्यू नहीं देते, और हमेशा उनकी डिस्कवरीज ही, रिसर्च ही लोगों को सुनने को मिलती है, जो बाहरी लोगों को बहुत डेवलप करने में बहुत काम आती है। इसके बाद एक व्यक्ति कर्ण से मिलने के लिए आता है और कर्ण से उसका नाम पूछता है और फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इस व्यक्ति का नाम डॉक्टर नारायण मूर्ति है, जो कि कर्ण का टीम लीडर होने वाला है। फिर वह टीम लीडर कर्ण को उसके दूसरे टीम मेंबर से भी मिलवाता है। कर्ण के टीम में उसके अलावा 3 लोग और थे जिन्होंने 1 साल पहले ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था। उनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का था, जिसमें से 2 लड़कियों का नाम डॉक्टर ईशा और डॉक्टर पायल था और लड़के का नाम डॉक्टर राहुल था। कर्ण इन सब से मिलता है और इसके बाद जो टीम लीडर है और जो टीम मेंबर्स है, वह कर्ण को उसका काम समझाते हैं। फिर ऐसे ही 4-5 दिन तक आराम से अपना काम डेली करने के लिए उनके साथ आता है और अच्छे से अपना चला जाता है काम करके सिंपल वे में। तो 4-5 दिन के बाद कर्ण को एक दिन कुछ ऐसा महसूस होता है कि उसको लगता है कि जो यह ऑर्गेनाइजेशन है वह कोई साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वह जो रिसर्च पर काम कर रही है वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, क्योंकि वह जो रिसर्च पर काम कर रहे थे वह एक ऐसी रिसर्च थी, अगर वह सक्सेस हो जाती है तो इस दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। असल में वह लोग एक वर्म हॉल बनाने का प्रयास कर रहे थे, और उसके साथ में ही उन्होंने वर्म हॉल बनाने की मशीन भी बना ली थी, और उसी के साथ में वह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बना रहे थे जो आज के किसी भी AI से लाखों गुना अधिक एडवांस्ड होगा। कर्ण अब इन सबसे हैरान होने की बजाय एक एक्साइटमेंट उसके अंदर भर आती है, क्योंकि आपको पता ही होगा एक साइंटिस्ट जो होता है वह हमेशा क्यूरियस रहता है अपनी रिसर्च को लेकर और नई नई चीजों को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा ही कर्ण के साथ हुआ। फिर इसके बाद कर्ण उसे बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए लग जाता है। धीरे धीरे कर्ण उस चीज में औरों से, जो और ज्यादा इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति थे, उन सबसे परफेक्ट होने लगता है, जैसे कि मानो उस AI मशीन के साथ उसका कुछ रिश्ता हो। और वह ही उसको सिर्फ बना सकता है। ऐसे ही करके 10 साल बीत जाते हैं, और फिर 10 साल के बाद एक दिन रात को वह AI मशीन बनके पूरी हो जाती है और एक अच्छे तरीके से काम कर रही थी। अब उन सबको सक्सेस मिल जाती है। वहां पर उपस्थित जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर बिना किसी देरी के सब बोलते हैं कि चलो चलो, अब इस AI को हम वर्म हॉल की मशीन से कनेक्ट करते हैं, जिसे वे लोग वर्म हॉल जनरेटर भी बोलते थे। और फिर सब ऐसा ही करते हैं, AI को वर्म हॉल जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर AI मशीन को ऑन करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन एकदम से जो वहां की लाइटिंग है झबकने सी लग जाती है, समय थम सा जाता है, सबको एकदम मतलब कुछ अजीब सा महसूस होता है। अजीब सा ऐसा लगता है कि जैसे समय बिल्कुल थम सा गया हो, पता नहीं कुछ अजीब से AI मशीन में भी कुछ बाइनरी कोड चल से रहे थे जो उनको समझ नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सब इसको देखकर घबरा से जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सब उन सबके लिए नया सा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर थोड़ी देर बाद जब एकदम से खुद से मशीन ठीक होती है और उनको पता लगता है कि उन्होंने एक छोटा सा वर्म हॉल क्रिएट कर लिया है, ये सब देखकर उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। फिर कई लोग वहां पर जो उपस्थित है वह कोशिश करते हैं कि क्या देखते हैं हम इस वर्म हॉल को और बेटर बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो प्लीज हमें और आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वह चाहते हैं कि नहीं नहीं हम करके देखेंगे, तो दोबारा AI को इंस्ट्रक्शन देते हैं। और लेकिन इस बार सबको लगता है कि पहले जो हुआ था उससे भी कुछ भयंकर होने वाला है। एकदम से फिर से समय बिल्कुल रुक सा जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ यही नहीं होता,
बल्कि जो उस जगह के इमरजेंसी अलर्ट सेंसर थे वह एक हाई लेवल का अलर्ट देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं एक अज्ञात रेडिएशन आ रहा था जिसकी वजह से वहां के लोग बेहोश से होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ गया हो, जो कि पृथ्वी का तो ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं हो सकता था, वह कुछ अलग ही था। इससे सब एकदम डर से जाते हैं, क्योंकि वहां के जो जितने भी इमरजेंसी अलर्ट थे वह भी बजने लग जाते हैं, और जो ईआई मशीन है वह भी कोई अज्ञात बाइनरी कोड बार बार दिखाई जा रही थी, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि उसको डीकोड कर सके, और वह बाइनरी कोड भी बहुत ज्यादा बड़े थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ईआई उनको कुछ अलर्ट, कुछ मैसेज देना चाह रही हो। फिर पता नहीं उनको थोड़ी देर बाद पता लगता है कैसे ना कैसे करके कि जो वर्म होल उन्होंने क्रिएट किया है वह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और वह शायद एक ऐसी जगह खुला हो जहां का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से ही यह सब स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सब वहां के लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर इस वर्म होल को नहीं रोका गया तो हमारी पृथ्वी का पता नहीं क्या होगा, इस दुनिया का पता नहीं क्या होगा। सब कहते हैं कि इसको कैसे ना कैसे रोकना होगा, लेकिन वहां पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, कोई नहीं जानता था उसको कैसे बंद करा जाए। लेकिन वहां, जैसे कि मैंने बताया कि कर्ण 10 साल पहले धीरे धीरे करके सबसे आगे हो रहा था, तो अब वह 10 साल के बाद सब कुछ सीख चुका था। तो उन सब में से केवल कर्ण ही बोलता है कि मैं इसको बंद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को वर्म होल मशीन के अंदर जाना होगा और कनेक्टिविटी फील्ड जो है वहां से वायर्स को कट करना होगा। ये सब करने ये करने के लिए कुछ उपस्थित लोग तैयार होते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वह जानते थे ये कर्ण की जान भी ले सकता है। लेकिन इसी तरह सब लोग ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने इसे बंद नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ी तबाही हो सकती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो कर्ण भी जबरदस्ती करते हुए बिना कुछ कहे सीधा अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर अंदर चला जाता है। वहां जाकर वह जब कनेक्टिविटी फील्ड को देखता है तो फौरन जाकर उनको कट करने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक ही जा रहा होता है यहां तक, लेकिन अचानक से पता नहीं कर्ण को एकदम झटका सा लगता है। उसके दिमाग में बाइनरी कोड्स घूमने लग जाते हैं, 0101, बस यही उसको दिख रहा था। उसके बाद कर्ण जो है, जो उन्होंने वर्म होल बनाया था, वह उसमें गिर जाता है, और दूसरी तरफ वह मशीन अपने आप बंद हो जाती है, और वहां जो उपस्थित दूसरे साइंटिस्ट थे कर्ण से अलग, वह खुश हो जाते हैं कि हमने उसको बंद कर दिया, बड़ी तबाही से बचा लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कर्ण के साथ क्या हुआ। जैसे ही लोग कर्ण को चेक करते हैं कि बहुत देर हो गई है, वह बाहर नहीं आया। सब चेक करते हैं कि कहां है, तो उन्होंने पाया, वह हैरान हो जाते हैं। वह देखते हैं कि कर्ण का तो वहां कोई नामो निशान ही नहीं है, मानो ऐसा हो गया हो कि कर्ण वहां कभी गया ही ना हो। और दूसरी तरफ कर्ण बेहोश अवस्था में था, किसी टनल में ऐसा लग रहा था कि वह उसको बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से ले जा रहा है, उस टनल में टाइम रुक सा गया हो। कर्ण वहां थोड़ी देर के लिए होश में आता है और वह हैरान हो जाता है कि ये मैं कहां हूं, और उससे ज्यादा वो हैरान इस बात को लेकर होता है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। फिर एकदम से कर्ण को फिर से झटका लगता है, बाइनरी नंबर्स फिर से घूमते हैं उसके दिमाग में, 0101, और वह फिर से बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कर्ण जो है वह एक जगह पर पड़ा हुआ था, किसी अज्ञात जगह पर, एक अज्ञात दुनिया में कर्ण होता है और देखता है कि मैं कहां हूं, मानो ऐसा कि किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। कर्ण यह उसकी दुनिया नहीं थी। कर्ण महसूस भी कर पा रहा था कि वह सांस नहीं ले रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन वह जिंदा कैसे है। फिर एकदम फिर से वही सेम चीज उसके साथ होती है, झटका 0101 नंबर्स आते हैं, लेकिन अब की बार उसको कुछ रिलेशन महसूस होता है इन नंबर्स से, मानो कि वह इन नंबर्स को जानता हो और ऐसा लग रहा है कि वो नंबर्स उससे बात करना चाह रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह जब थोड़ा फोकस करता है मन पर, तो उसके सामने एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये नंबर्स और कुछ नहीं है, वह खुद ब खुद वही एआई मशीन है। इस मशीन ने खुद को कर्ण के नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है। फिर कर्ण थोड़ी देर बाद एक और हैरान करने वाली चीज महसूस करता है कि वह जिस जगह पर था उस जगह पर एनर्जी बहुत ज्यादा शुद्ध और बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित थी।
अब कर्ण महसूस करता है कि एक व्यक्ति को, जो उसने कभी आध्यात्मिक किताबों में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बिना खाना खाए जीवित रह सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का शरीर चलाने के लिए ऊर्जा और एनर्जी की जरूरत होती है, ना कि किसी और चीज की। तो अब वह ऊर्जा, वह एनर्जी कर्ण बिना किसी चीज के सीधा सीधा अब्सॉर्ब कर पा रहा था। कर्ण फिर उस जगह पर बैठकर, जैसा उसने कभी आध्यात्मिक किताबों में पढ़ा था, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, फोकस करता है, और वह महसूस करता है कि जो ए आई है उसके दिमाग में नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हुई है। वह उसके मन को और ज्यादा फास्ट और ज्यादा क्लियर कर रही है फोकस करने में। वह धीरे धीरे देख रहा है कि उसका जो शरीर है उसमें कुछ अलग चेंज हो रहे हैं। वहां की ऊर्जा उसके शरीर को बड़ी चमत्कारिक रूप से बदल रही है। उसको लग रहा था कि सब कुछ एकदम बहुत क्लियर सा हो गया हो, उसके मन की शक्ति एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, उसके हाथ पैरों में शक्तियां बढ़ गई हो, और वह पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा था अपने आप को। और वह धीरे धीरे करके जो फोकस कर रहा था, ध्यान लगा पा रहा था, तो बिना आंख खोले वह दूर दूर तक का देख भी पा रहा था, और यह विजन की शक्ति उसकी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। फिर ऐसे ही 10-11 दिन के बाद उसकी विजन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसको दूर कहीं एक चमत्कारिक शहर दिखने लग जाता है। उस शहर की वास्तुकला तो भले ही कुछ पुरानी सी थी, लेकिन वह शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं जान पड़ रहा था कि दूर कहीं एक बहुत सुंदर स्वर्ग जैसा दिखने वाला शहर हो। फिर कर्ण एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उठ खड़ा होता है और जल्दी से उस शहर की ओर बढ़ता है। फिर सिर्फ 2 दिन के बाद ही कर्ण जो है बिना थके उस शहर के पास पहुंच जाता है। और जब कर्ण वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसा क्या था उस चमत्कारिक शहर में, ऐसा क्या अविश्वसनीय उसने देख लिया था वहां पर, कर्ण ने जो विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। अगर आप सभी को इससे आगे की कहानी जाननी है तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो पर कम से कम 100 कमेंट जरूर करें वी वॉन्ट पार्ट 2 लिखकर, और हम इस वीडियो का लाइक एम 500 रखते हैं। जब आप ये सब कंप्लीट कर दोगे तो हम आपके लिए इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए।